पास कोई एक कंडक्टर हो, जैसे कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक कंडक्टर वही चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को क्या करते हैं, किसी बैटरी के टर्मिनल के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए कि एक वायर के थ्रू हम लोगों ने बैटरी का एक टर्मिनल इस वाली साइड के साथ और वायर के थ्रू इस कंडक्टर का ये वाली जो साइड है इसे बैटरी के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये वाला जो टर्मिनल है बैटरी का ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो अब हमारा ये जो कंडक्टर है ये हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट करके सर्किट को कम्प्लीट कर दिया। अब हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर हो, जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हमें मालूम है कि अगर इस कंडक्टर को हम इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडक्टर के अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इसके अंदर से करंट यूँ फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने की वजह से एक तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन के अंदर चूँकि अब ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करता है, कोई भी कंडक्टर की चीज़ हो उसके अंदर से करंट पास कर रहा हो तो उसके साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो है ही है और इसके साथ हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बी भी आ जाती है। अब जैसे इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है, तो यहाँ पर भी तो हमारे पास एक कंडक्टर ही है ना, ये कंडक्टर ज़रा हम लोगों ने थोड़े से बड़ी साइज़ में इस्तेमाल कर लिया है। होता क्या है कि हमारे पास कोई भी अगर कंडक्टर की चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एम्प्लाइसिस है, तो उसके अंदर हमें मालूम है कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट पास कर रहा हो, तो उसमें से करंट हमें मालूम है कि क्यों पास करता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये कंडक्टर क्या होता है कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा, और इसके साथ साथ इसके ऑपोजिट जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते चले जाएंगे वहाँ पर होल्स बनते जाएंगे, और इन होल्स को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। इनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उन्हें हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट आ गया। तो इन दोनों करंट का जो मजमुआ है, जो सम है, उसे इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आए हैं। तो इस तरीके से जब भी किसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये बैटरी है, उसका वोल्टेज भी है, और करंट की जो डायरेक्शन है, करंट इस तरह इस डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि ये कंडक्टर है, और ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि जैसे कि हमें मालूम है कि अगर किसी चीज़ के अंदर से करंट पास कर रहा हो और वो कंडक्टर की हो तो उसके इतराफ में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है। अब ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमें इतना तो मालूम है कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने की वजह से क्या होता है कि ये चूँकि कंडक्टर है तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। चूँकि कोई भी कंडक्टर की चीज़ हो उसके अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड शेप में बनाने के बजाय अगर मैं ऐसे कह दूँ कि इस कंडक्टर के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो जो है इस बैटरी की वजह से, चूँकि हम लोगों ने वोल्टेज लगा दिया है और वोल्टेज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा ये जो करंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है। कोई भी जो कंडक्टर है उसे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आ जाता है। तो उस वक्त जो उस रीजन के आसपास उसकी फोर्स होती है जिसके अंदर उसका इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद जो भी फोर्स होगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रही है, एक तो वो इस वोल्टेज की वजह से है, जैसे हम लोग कहेंगे कि ये इसकी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसी मैं F.E. से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, मतलब कि इस बैटरी के वोल्टेज की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे F.E. कह दिया,
और दूसरी वो फोर्स जो इसके अंदर से करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर प्रोड्यूस कर देती है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है, जिसे हम लोग FM कहते हैं। इस FM को हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में मालूम किया था कि अगर किसी चार्ज के ऊपर कोई भी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो उनके ऊपर अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट मालूम करना होता है, तो हमें मालूम है कि चूंकि उसे करंट मिल रहा है, वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त उस कंडीशन में उन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स होती है उसे हम लोग क्यू इंटू बी क्रॉस बी के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सपीरियंस की जा रही है। और दूसरी जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो, उस कंडक्टर को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें और उसके अंदर से जो है करंट पास कर रहा हो, तो उस वक्त उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चूँकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं यहाँ पर E इंटू कैपिटल स्मॉल क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो E है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यानी कि किसी भी यूनिट चार्ज क्यू पर कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर लगने वाली फोर्स की जो रेशो होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें क्या बताती है, किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, कोई भी आपके पास चार्ज कैरियर है, उसके ऊपर जो है फोर्स लग रही, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसकी रेशो को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के साथ अपना काम किया है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक चार्ज कैरियर है, उनके ऊपर जो है फोर्स लग रही है और उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मालूम कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और चार्ज का हमें मालूम है कि चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें मालूम होता है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स दे देगा और मैग्नेटिक फोर्स हम लोग इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एक कंडक्टर को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैक वक्त दो फोर्सेस लग रही होती हैं जब वो वोल्टेज के साथ वो कंडक्टर कनेक्टेड होता है। इस वक्त इस सिचुएशन में हमारा कंडक्टर जो है हमारी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें थी ही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस वक्त दो फोर्सेस एक्सपीरियंस की जा रही होती है, एक वो जो इसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आती है और दूसरी वो जो इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आती है। तो बेसिकली अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स बारे में बताना हो, तो हम कह देते हैं कि ये जो फोर्स है, अगर तो वो कंडक्टर जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर दो फोर्सेस एग्जर्ट कर रही होती हैं, एक उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है जो इन दोनों के एडिशन को बताती है, बेसिकली इस फोर्स को हमें एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका लॉरेंट्स, और उसी के नाम पर जो है इस फोर्स का नाम रख दिया गया, जिसे हम लोग लॉरेंट्स फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम होती है, और अगर हमें किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स के बारे में बताना हो, तो हम हमेशा इन दोनों फोर्सेस को कंसिडर करते हैं कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बैक वक्त ये दोनों फोर्सेस प्रेजेंस होती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि किस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो काम कर रहे हैं, आया कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से काम कर रहे हैं या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से काम हो रहा होता है और कुछ फोर्सेज जो है सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काम हो रहा होता है। अब अगर इसे मजीद डिफाइन करके लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ ई की जगह मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ एफ ई की वैल्यू, जो कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे कैपिटल ई इंटू क्यू है, और एफ एम की अगर मैं ये बता दूँ कि हमारा जो वी और बी है, यानी कि वो वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमारा कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो एट अ टाइम जो है यहाँ पर 90 के एंगल पर है, कोई एक ऐसा वक्त आ गया कि वो 90 पर है। जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स हम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से करंट के प्रेजेंस की वजह से मूव कर रहे होते हैं, ये इसकी वेलोसिटी होती है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल 90 आ जाता है। तो इस वजह से जो हमारा FM का फॉर्मूला है जो कि हमें बताता है कि ये Q into V cross B है, यहाँ पे V cross B की जगह हम लोग B sin theta लिख सकते हैं, और sin theta चूंकि हमारे पास 90 है तो हमारे पास FM जो है मैक्सिमम आ जाएगी जो कि Q V B आ जाएगी, और अगर हम लोगों को
ये ना मालूम हो कि एंगल 90 है. फॉर एग्जांपल कि हमारी जो बी है वो इस तरीके से लग रही है, इंक्लाइंड एंगल पे लग रही है, और वी जो है इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सर्टेन एंगल होगा. इसलिए बास वक्त हम लोगों को एंगल ना मालूम होने की वजह से या 90 ना होने की वजह से यहाँ पर साइन थीटा को पुट करना पड़ता है. तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी, चूँकि मुझे एंगल के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को उठा के इस इक्वेशन में, क्या देते हैं, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास क्यू बी बी साइन थीटा आ जाएगी. तो बेसिकली लॉरेंट्स फोर्स को हम लोग एफ ई प्लस एफ एम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लॉरेंट्स फोर्स में क्या होता है, अगर मैं ये बात करूँ कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और बाद अवत ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बेसिकली अगर मैं लॉरेंट्स फोर्स की बात कर रही हूँ, तो लॉरेंट्स फोर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो काम हो रहा होता है जिस फोर्स की वजह से, वो ज़्यादातर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये बेसिकली हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है. इसे हम लोग कहते हैं इसकी वजह से काम नहीं हो रहा होता, बल्कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सिचुएशन में डिफ्लेक्ट करता है, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाए या इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाए, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर जाए या प्रोटॉन डिफ्लेक्ट कर जाए, कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट कर जाए उस वक्त, तो वो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है वो बेसिकली हमारी लॉरेंट्ज फोर्स होती है, और लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फोर्स होती है. यानी कि कहीं भी डिफ्लेक्शन का काम हो रहा है किसी फोर्स, कोई जो फोर्स है वो चार्ज कैरियर पर लग रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, और उनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन उनमें आया होता है वो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आता है. तो लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कह देते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और जो काम होता है लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर वो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं इस सिचुएशन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो रॉड्स हैं, ये इस तरीके के हमारे पास रॉड हैं, इसे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कर लिया और इसे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज कर लिया. अब हमारे पास दो सिचुएशन है, हम लोग दो सिचुएशन ले लेते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट केस है, इसी तरीके से हम लोग एक यहाँ पे सेकंड केस रख लेते हैं. होता क्या है इन दोनों केसेस में, एक काम तो सेम ही है कि हम लोगों ने एक प्लेट को जो है पॉजिटिव चार्ज कर लिया इस तरीके से, और जो दूसरी प्लेट है यहाँ पर उसे हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज कर लिया है इस तरीके से. अब हमें ये भी मालूम है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं, हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में इस तरीके से होती हैं. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में है. ये इस तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही है. अगर तो मैं एक इलेक्ट्रॉन लूँ कि हम लोग अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस है ये हमारा, जिसमें दो कंडीशन है, ये फर्स्ट केस है जिसमें दो हमारे पास अगले केसेस हैं. हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरीके से रख दूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट पोलैरिटीज़ हैं. हमें मालूम है कि सिमिलर पोलैरिटीज़ एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अगर हमारे पास जो है यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटीज़ हों तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इस तरीके से. तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर मैं इसकी बजाय ऐसा करूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की बजाय अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दूँ, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करूँगी, जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इसे मैं प्रोजेक्ट करूँ, तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स यूज़ करते हुए यूँ डिफ्लेक्शन शो करता है. इसे हम लोग अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, और जैसे किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है. यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया. जब इसे प्रोजेक्ट किया तो क्या होता है कि चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट इस तरीके से नहीं करेगा कि बिल्कुल सीधे ही रास्ते उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करे, बल्कि अब यहाँ पे मैंने इसके प्रोजेक्ट किया है, तो जब किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स यूज़ करता है. यहाँ पर इसने एफएम को यूज़ किया है. एफएम के बारे में हमें मालूम है कि ये यहाँ पर जो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसे हम लोग एफई कह देते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली ये काम कर रहा है. लेकिन जो इसकी डिफ्लेक्शन हुई है, इसकी डिफ्लेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है. तो इस तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्शन की वजह से वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट हो जाता है, और अगर आप उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट नहीं करते, तब वो क्या करता है, तब वो सिंपल काम कर रहा होता है, और उस वक्त अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है. तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है प्रोजेक्टेड फोर्स आ जाती है, जिसे हम लोग एफएम कहते हैं, और इस सिचुएशन में
FE आ जाती है। बेसिकली हमें इस तरह से कहना चाहिए कि अगर किसी जगह पे प्रोजेक्शन होती है तो प्रोजेक्शन में जो काम हो रहा होता है वो बेसिकली डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से हो रहा होता है, और अगर किसी जगह प्रोजेक्शन नहीं हो रहा, अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो काम हो रहा होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है। अब इसी तरीके से अब एक और केस ले लेते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इस तरीके से जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट केस में किया, इसे हम लोग सेकंड केस कह लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेट ली, उस प्लेट में यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं और यहाँ पर जो है एक प्लेट नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड है वो इस तरीके से हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगी इस तरीके से हमारे पास, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगी इस तरीके से, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही होती हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया, अब इस सेकेंड केस में हम यहाँ पे प्रोटोन यूज़ कर लेते हैं जिसके ऊपर क्यू और पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस प्रोटोन को या पॉजिटिव चार्ज कैरियर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो चूंकि ये सेमिलर पोलैरिटी है तो इसको रिपेल करेगा और ये प्रोटॉन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करते हुए इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया था, मैंने इसे प्रोजेक्ट नहीं किया, तो इस सिचुएशन में इसने जो काम किया है ये अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से किया है। और अगर मैं क्या करूँ कि इस प्रोटॉन को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दूँ तो प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा कि ये जो है काम तो करेगा लेकिन डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अब भी अपोजिट पोलैरिटी की वजह से नेगेटिव प्लेट की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा लेकिन प्रोजेक्शन की वजह से, चूंकि मैंने इसे प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स आ जाती है और उस डिफ्लेक्टिंग फोर्स जिसे हम लोग FM कहते हैं उसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है इसने काम किया। तो इस तरीके से हमारी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारी डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो काम करती है डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि हम उसे कब प्रोजेक्ट करते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन को काम कराने के मेथड पर डिपेंड करता है, कि हम आया कि उसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ देते हैं या उसे प्रोजेक्ट करके छोड़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के प्रोजेक्शन के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या किस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। लेकिन ये बेसिकली लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में था, कि लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों का सम होता है, लेकिन जो लॉरेंट्ज़ फोर्स में काम होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास लॉरेंट्ज़ फोर्स के अंदर मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। जैसे लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या उनको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ देते हैं तो उनके काम करने का मेथड जो है इस तरीके से होता है कि अगर हम लोग सिंपल इसको छोड़ दें तो वो मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है अपोजिट पोलैरिटी के साथ। इसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो है सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करने का भी डिफरेंट तरीका होता है, वो इन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज पे कि वो किस तरीके से उसको किस सिचुएशन पर अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त इस सिचुएशन में क्या है कि आपके पास इन टू द पेपर है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन टू द पेपर है जिसे हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्रॉस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस तरीके से। अब हमने अपने प्रोटॉन को, सबसे पहले हम लोग अपने प्रोटॉन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी हम लोग प्रोटॉन का केस ले लेते हैं और ये भी हम लोग प्रोटॉन का केस ले लेते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि इस सिचुएशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वो इन ऑन टू द पेपर आउट टू द पेपर है जिसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिचुएशन में क्या था कि इन टू द पेपर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो बी है वो इन टू द पेपर है और यहाँ पे जो बी है वो आउट ऑफ द पेपर है जिसे हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास दोनों सिचुएशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है, हमने अपने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है। अब इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारा प्रोटॉन है जिसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है इसे प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इन दोनों केसेस में हम इस तरीके से करें कि हमने जो अपने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है वो इस सिचुएशन में करें कि हम इसे लेफ्ट टू राइट प्रोजेक्ट करें और परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें अपनी मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट करना है और परपेंडिकुलर करना है मैग्नेटिक फील्ड के। जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास बी जो है इन टू द पेपर हो और इन टू द पेपर के अंदर हम लोगों ने अपने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है अपनी बी के परपेंडिकुलर, लेकिन उनकी उसकी जो प्रोजेक्शन का मेथड है
वो लेफ्ट से राइट होना चाहिए। तो जब ऐसे सिचुएशन होती है हम अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वो बी के परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा ये जो चार्ज क्यू है जिसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन उस सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करने के दरम्यान ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है इसकी डायरेक्शन हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। ये इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर जो है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करता हुआ अपने सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। इसी तरीके से अगर आपके पास प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को आप ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेफ्ट से राइट बी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें और बी जो है आउट ऑफ द पेपर हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है यहाँ पर भी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन इस सर्कुलर पाथ केस थोड़ा सा उल्ट हो जाता है, केस थोड़ा सा उल्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास क्यू है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास ये जो प्रोटॉन है इसकी मूवमेंट के डिफरेंट तरीके आ जाते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है डिपेंड करती है कि किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, वो इनटू द पेपर है या आउट ऑफ द पेपर है, बस इस पे डिपेंड करता है क्योंकि प्रोजेक्शन की तरीका तो सेम है। हमने अपने जो प्रोटॉन है उसको प्रोजेक्ट करना है लेफ्ट से राइट दोनों केसेस में। हम लोग इस केस में जो है हम लोग लेफ्ट से राइट प्रोजेक्ट करते हैं और इस केस में यहाँ पर भी हम इसे इसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इस सिचुएशन में आता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है ये यहाँ पे इनटू द मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाता है और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाता है। और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो भी फोर्स लग रही है, जब भी आपको मालूम है कोई भी चीज़ आप पे लग कोई भी फोर्स लग रही हो किसी भी सर्कुलर पार्ट में मूव करती हुई बॉडी पर, तो वो फोर्स हमेशा उसके सेंटर से एग्जर्ट करती है। यहाँ पे भी हर पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है ये इसके सेंटर की तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन वो सेंटर से एग्जर्ट कर रही होती है और इस क्यू के ऊपर इस तरीके से लग रही होती है और ये सेंटर पर एग्जर्ट कर रही होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, चाहे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है लेकिन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की वजह से यहाँ पर भी जो फोर्स लग रही है वो बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे सेंटर में एग्जर्ट कर रही है, इस तरीके से उसकी जो डायरेक्शन है और ये इसकी मैग्नेटिक फोर्स है। और ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी वेलोसिटी के साथ, जिसे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कि कितनी वेलोसिटी के साथ इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो हर टेंजेंट पे हमें इसकी वेलोसिटी के बारे में भी पता चल जाता है और इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये तो प्रोटॉन के बारे में था। इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का केस लें और इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर भी क्या करें कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड ले लें, एक इनटू द पेपर और एक आउट ऑफ द पेपर। ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेपर है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसे इनटू द पेपर बना लिया और यहाँ पर हम इसे आउट ऑफ द पेपर बना लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउट ऑफ द पेपर है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सिचुएशन आ गई, एक में हमारे पास इनटू द पेपर और एक में आउट ऑफ द पेपर है। दोनों में अब हमने क्या करना है कि हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे। दोनों पार्ट में क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ तो अडॉप्ट करेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ आएगा, जब हमारे पास इनटू द मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो इनटू द मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि हमारे ही जो नेगेटिव चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लॉकवाइज का पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज पार्ट में मूव करते हुए एक वेलोसिटी क्यू से अपना सर्कल पाथ सर्कुलर पाथ जो है कंप्लीट करते चले जाते हैं। यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है इन चार्जेस पर वो इस सर्कल के मिड से लगती है, सेंटर पर एग्जर्ट करती है। सिमिलरली जब हम लोग आउट ऑफ द पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के रिवर्स काम करता है। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करना शुरू कर देता है विद सम वेलोसिटी और यहाँ पर भी जो हर चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होती है वो इसकी सेंटर से एग्जर्ट कर रही होती है और इस पर वक्त जो फोर्स होती है वो फोर्स हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है काम कर रहा है। तो इस तरीके से चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो काम ये भी करते, जैसे इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चाहे वो इनटू द पेपर हो या आउट ऑफ द पेपर, तो उनके जो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। वो डिपेंड करते हैं कि किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्हें हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है और इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, मतलब कि आपके पास जो चार्ज कैरियर है उसका चार्ज डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली लॉरेंट्स फोर्स के अंदर क्या होता है कि वे लॉरेंट्स फोर्स के अंदर ये सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करते हैं अगर हम लोग इन्हें प्रोजेक्ट करें, और अगर प्रोजेक्ट ना करें तभी इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू जो है अपने काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये चार्जेस का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करने का तरीका है कि चार्जेस किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से इनके ऊपर जो है लॉरेंट्ज़ फोर्स एक्ट करती है।